सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो, कार्टून कार्टून, आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं नहीं हो नहीं पड़ी, मैं वो थे रखने लगा हूँ। नहीं मैं इतने रख खड़ा उत्ते, हूँ तो ही मोबाइल लेना नहीं है, मैं अपना फोन किसे देवा तुम। सारा दिन कार्टून फोन सारा दिन फल लो वे हम मरदे पे ने, अब मरदे पे ने चंडा। कल ये कह रहा था कि इसको पाकिस्तान कहते हैं, इसको नाम नहीं आ रहा था इसका, आज इसको पता चला इसे चंडा कहते हैं। सामने वालों की टैंकी ओवर हो गई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आमिर इकबाल आपको आपके अपने चैनल आमिर इकबाल में वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ये हमने बुर्ज खलीफा बनाया हुआ, मतलब कि ये बुर्ज खलीफा अम्मी ने बनाया हुआ है, जिसमें खुश्क गोबर रखा हुआ है। तो इसके अंदर ये बड़ी बड़ी जालिम चीज़ें हैं, ये तो लड़ी ही होगी आपको कभी, ये मिली होगी, इंजेक्शन तो लगा होगा आपको भी कभी इसका, तो डर ही लग रहा है। तो इसके अंदर ये खुश्क गोबर रखा हुआ है घर वालों ने, ये सारा जान। तो अभी तो ये टूट फूट का भी तो तकरीबन ये सारा टूट फूट चुका है। तो पहले ये बड़ा प्यारा लगता था, जिस किसी ने हमारे घर में आना होता था तो वो ये लोकेशन देता था कि जिनके घर के सामने बुर्ज खलीफा बना हुआ है उनके घर जाना। तो दोस्तों ये वाले हमारे मकान है जो कि 5 से 6 महीने हो गए हमने बनाए हुए। जब मकान बन रहे हो तो बंदा इतनी बारीकियां नहीं देखता, मगर बन जाने के बाद बंदा सोचता कि यार ये काम कर लिया होता है, ऐसा नहीं किया होता, ऐसा कर लिया होता तो बेहतर था। तो मैं आपको बताता हूँ जो गलतियां हमने की थी मकान बनाते टाइम। तो हमारे ग्राउंड फ्लोर में ये हमारा गेस्ट रूम है, ये वाला वाशरूम है, और ये कमरा एक ये वाला कमरा है। सेम इसी तरह ऊपर भी है, यानी कि 2 कमरे हैं और ये वाला किचन रखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने 1 कमरे का दरवाज़ा अभी तक नहीं लगवाया। एक मसला ये भी बना हुआ है कि ये जो दरवाजे हमने लगाए हुए हैं ये देखें कि यहाँ से बिल्कुल अभी बंद करते हैं तो ये बंद नहीं होते, ये सिर्फ इतने बंद हो रहे हैं अभी, तो बड़ा ज़ोर लगाओ तो फिर भी बंद नहीं हो रहे अभी। ये शायद ख़राब हो गए, लकड़ी ख़राब है या क्या मसला क्या नहीं, बारिशों की वजह से लकड़ी फूल चुकी है या क्या मसला है पता कोई नहीं। वैसे दरवाजे अभी बंद नहीं हो रहे, कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा, तो ये शायद लकड़ी ख़राब है। उसके अलावा ये वेंटी है, तो ये देखें हमने ये सारा तकरीबन टोटल घर जो है ना वो सारा प्लास्टर करवा दिया हुआ है, मगर ये देखें कि इस वेंटी को हमने करवाया ही नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि इस रूम में खड़े हो के अगर ये ऐसा लगे तो कितना बुरा लगता है। तो ये भी हमने बड़ी गलती की थी, तो हमें ये भी जो है ना वो करवा लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे मकान बिल्कुल बाहर हैं गाँव के, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ आपको इसके नुकसान भी बताता हूँ। फ़ायदों में से आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त, खेत ही खेत हैं बाहर, तो हरियाली हरियाली है और रोड भी काफ़ी खुला है, अच्छी खासी बड़ी गाड़ी यहाँ से आ सकती है। जो चीज़ अच्छी नहीं वो ये है कि गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये रूढ़ी है जो कि सारी लोग का सत्यानाश कर देती है। छत पर चलते हैं अभी पे, सबसे पहले जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह इस परचम पे हमारी जान भी कुर्बान है। तो दूसरी चीज़ ये कि हमें ये भी प्लास्टर करवा लेनी चाहिए थी, ये भी बहुत बुरा लगता है, हमने यही सोचा कि रहने देते हैं बाद में करवा लेंगे, मगर इसका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं था, हमें साथ में करवा लेना चाहिए था। अम्मी ने वैसे खुश्क गोबर और खुश्क लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ आग जलाने के लिए। वैसे किचन तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, मगर देसी किचन हमारा सेकंड फ्लोर पे है। और मज़े की बात है कि ये भी है कि यहाँ पे खड़े होकर हमारे टॉप फ्लोर पे बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, हर तरफ खेत ही खेत हैं, हरियाली हरियाली है, तो एक दो गांव भी यहाँ से नज़दीक लगता है जो कि क्लियरली नज़र भी आ जाता है यहाँ से। और उसके अलावा माशाल्लाह गांव का व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का, ये सबसे ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में बंदा बड़े बड़े काम करवा लेता है, जिन पे पैसे लगते हैं वो काम करवा लेता है, मगर जिन पे पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते, छोटे छोटे से काम होते हैं वो बंदा नहीं करवाता कि बाद में करवा लेंगे इन कामों का क्या है, मगर
उसकी वजह से दूसरे कामों की भी लुक ख़राब हो जाती है शायद। तो मेरे ख्याल में काम वही जो साथ में हो जाए, एक दफ़ा जो हो रहा हो उसके साथ जो जो काम हो जाए वो हो जाए, उसके बाद बंदा जो सालों साल भी दूसरे काम, चाहे एक ईंट का काम रह गया हो ना, वो भी बंदा पेंडिंग पे पड़ा रहने देता है कि यार चलो काम चल ही रहा है ना। भूख लग गई है, देखते हैं खाना क्या पका है। नहीं आता ये अगले दिन पका दिए। मोबाइल को चार्जिंग हो लेने दो, अभी नहीं हुआ। मोबाइल इनका लगा है चार्जिंग पे और इन दोनों की जान जा रही है कि कब चार्जिंग हो। ये ड्रामे कर रहे देखो सोने के। तुसी फोन तो अलावा गल नहीं करते हैं? करने हैं केड़ी? ओ लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं। हाँ भैया आ गया स्कूल। तो मैं अभी खाना शाना खा के बाहर को निकला हूँ ताकि थोड़ी सी वॉक भी हो जाए। तो यहाँ पे मोटरें चली हुई है, एक मोटर ये चली हुई है, बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे, इनकी तरफ चलते हैं। क्या खेल रहे हो? हम मगरमच्छ वाला खेल रहे हैं। तो मोटर बंद हो गई है क्योंकि लाइट चला गई है यहाँ पे। ओए चला से चावल की फसल भी थोड़ी सी बड़ी होने लग गई है। फर्श इतना ज्यादा थप रहा है धूप की वजह से, इसको देखो ये कहाँ क्या कर रहे हो इधर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो जल्दी करो जल्दी। चार पाई के ऊपर बैठ। तो मस्जिद में अभी जोहर की अजान होने लगी है। तो मौसम गर्मी वाला है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश आ जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। तकरीबन डेली बारिश वाला मौसम होता है मगर बारिश कहीं और बरस जाती है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। तो बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ोमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।